आइए अब आपको ले चलते हैं उस कर्मस्थली पर जहां होता है तब, जहां हो रही है वो पौध तैयार, जिन्हें बनना है राजीव गोदारा, विजेंद्र से जय भगवान। संघर्ष स्थल है, यहाँ पर संघर्ष किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को स्ट्रगल आप करा रहे हैं। हाँ, क्या लगता है आपको ये रिंग कितने मायने रखता है आपकी ज़िंदगी के लिए और जो खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं जिनको आप सिखाते हैं उनके लिए? मैंने अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ के लिए गुजारी है। मैं जिस जगह पे आज खड़ा हूँ तो वो इसी की बदौलत है। मैं सोचता हूँ कि भाई जो भी इतना जैसे कि भाई आज तक जो बच्चे जो मैंने जिस चीज़ को अचीव किया है और जहाँ तक मेरी सोच तो उस मैं सोचता हूँ कि वो बच्चे भी अचीव करेंगे। राजीव जी, एक सवाल मेरा तो आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल जो भी रह गया वो सवाल ये कि हम जिस रिंग में खड़े हैं, हाँ जी, इस रिंग में आपके पहुँचने का सफ़र क्या रहा? मतलब आप जब पहली बार रिंग में दाखिल हुए उस समय कैसा एक्सपीरियंस आपका था, कैसा अनुभव था, क्या फील करा था उस समय आपने, और जब आप इंटरनेशनल खेल रहे थे और उस समय जब आप रिंग पे थे उस समय का लम्हा कैसा था? मतलब इन दोनों में मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शक समझ पाएँ, जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं वो समझ पाएँ। जो फिलहाल जो बॉक्सिंग है, मैंने मतलब 10th क्लास में था जिस टाइम मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी, उससे पहले जो बच्चे मैंने खेलते थे वैसे ही गलियों में, उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं था। लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी और एक शौक में बॉक्सिंग स्टार्ट करी और उसके बाद मैं एक ऊंचे लेवल तक पहुंचा, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं नेशनल चैम्पियन हुआ, जो उसके मतलब जो फीलिंग्स है उसके बाद उसको इंटरनेशनल के लिए बढ़ती चली गई वो टारगेट। पहले मेरा नेशनल तक टारगेट था, फिर इंटरनेशनल तक टारगेट हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कल्पना की कभी जब आप बॉक्सिंग में आपने कदम रखा था और आप इंटरनेशनल तक पहुंच गए थे, कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि आप इसकी कोचिंग दे रहे होंगे, आप इसके खुद कोच बनकर दूसरे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे होंगे, इस तरह का सपना? मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बच्चों को भी बॉक्सिंग नहीं रहूंगा। अच्छा, इस तरह का भी ख्वाब आपको हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। फिर कैसे आप इसमें आए, इसको उसकी कहानी बताइए। कुछ बहुत जगह ऐसा हुआ कि बहुतों ने मेरे को जैसे कहा भाई साहब हमें ट्रेनिंग कराओ, हमें कोई अच्छा सेंटर नहीं मिल पाया। मैं गाइड करता था, कभी इधर चले जाओ कभी इधर चले जाओ। लेकिन जैसे मैं मतलब कि वो ही हुआ कि भगवान ने किस्मत ला रखी या कुछ भी, कि मैं आज अपने बच्चे के लिए सोचता हूँ कि मैं उसे बेस्ट बॉक्सर बनाऊंगा। अक्सर देखा जाता है कि एक खिलाड़ी जब गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, खासकर नेशनल पे या स्टेट लेवल पे भी, तब जा कर के उसको तवज्जो दी जाती है। जब वो सीख रहा होता है, जब उसको ज़रूरत होती है चीज़ों की, तब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी, आपको ऐसा लगा कि किसी मोर्चे पर, चाहे वो पैसों को लेकर की कमी को लेकर हो, आपको लगा ऐसा कहीं पे वीक पॉइंट कि अब यार अब कैसे संभाला जाए, लेकिन फिर ऐसा कैसे, कौन सा ऐसा वक्त आया फिर आपको लगा कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया? आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या बताऊँ? क्या चीज़ है, जब मैं मतलब कि कई भी आप कोई भी कितने बड़े खिलाड़ी हो, आपको मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको पता नहीं होता आपका रिजल्ट क्या है आगे का। आप चल तो पड़े हो इस रास्ते पे, लेकिन पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे ये नहीं ये पक्का नहीं पता। कामयाबी की बात हो रही तो पीछे पोस्टर विजेंद्र सिंह के भी लगे हुए हैं, इस एकेडमी में, इस क्लब में उनका भी बड़ा हाथ है और आप तीनों ही खिलाड़ियों ने इसको ओपन किया है। हाँ, जय भगवान का भी। विजेंद्र सिंह को जो फेम मिला, हाँ, उसको सभी जानते हैं। बिल्कुल, वो अब एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो गए हैं, फिल्म में भी उन्होंने काम किया, उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जगह मिली। आपको कभी लगा है, आप उनके सहयोगी रहे हैं, आपको कभी लगा कि आपकी भी इच्छा हुई है आज विजेंद्र जहाँ पे है, काश मैं भी उस जगह पे हूँ? बिल्कुल, जो जिस जो फेम विजेंद्र को मिला है वो फेम मुझे भी मिले, यही सोच जो मेरे जो यही सोच के लिए मैं इन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ कि जो विजेंद्र भाई ने भी किया है, हाँ, वो उससे ऊपर कुछ करें, उससे ऊपर की सोचें। अब ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक